उसका तो सम्मान तो है ही ना भाई उनके प्रति। कुछ लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देते हैं। लेकिन हम लोग तो सुखचित तक। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के ऊपर जोरदार हमला किया और कहा कि ललन सिंह जो है जेडीयू को खत्म करने में लगे हैं। यह बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही और कहा कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जो है फिर से एनडीए में आ सकते हैं। यह बात उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। लेकिन इस सवाल को जब तेजस्वी यादव से पूछा गया, तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाएंगे, यह बात चर्चा पर है और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला किया है उपेंद्र कुशवाहा पर। सीधे तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो हर जगह पर जो है वो चल ही गए हैं, लगभग जगह घूम ही लिए हैं और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ें और जहां भी जाएं वो आगे बढ़ें, हम तो यह शुभकामना करते हैं। लेकिन जिस तरीके की बात वो करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑलरेडी जो है वो डरे हुए हैं और कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो हर 3 महीने पर उछलते हैं, सोचते हैं कुछ करना है कुछ करना है, हालांकि कुछ होता है नहीं। और किस प्रकार से लगातार जो लोग चलाते हैं वो देखते हैं, यह बात तेजस्वी यादव ने खुद कहा। और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर किस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है, खुद सुनिए। थोड़ा अपने आप को जो है पासपोर्ट ऑफिस आए हुए पासपोर्ट ऑफिस, आप लोग जानते हैं ना कि 21 साल का हमारा पासपोर्ट जो है वैलिडिटी जो है मिलता है और उसमें से 6 महीना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 6 महीना आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको वीज़ा के लिए वो स्पेस चाहिए होता है, वैलिडिटी स्पेसिफिकली चाहिए होता है। तो सब तो प्रक्रिया में है ही, सब जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई सब तो चल ही ना रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि आपने रद्द कर दिया इसको लेकर। अभी 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 कोई ऐसा नहीं सर, लेकिन आप एक बात, ये सब चीजें जो सरकार के जो काम होते हैं वो हम लोगों को करना पड़ता है। पिछले बार भी हम लोग जो है जापान होके आए हैं, वहाँ बिहार के लोग जो इतने बड़े तादाद में मिले, बहुत लोग जो है पहली बार बिहार का पूरे देश के तौर पे जो जाटा का जो रहता है आपका टूरिज्म को लेकर के, उसमें बिहार का एक अलग से स्टॉल रहा, बड़ी खुशी की बात है। और उस स्टॉल में जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी आए देखने, ये तो उपलब्धि है। तो आप तो नेशनल लेवल पे नाम तो बनता ही रहता है, ऑफर आते रहते हैं, अभी लंदन से भी आया था, बर्लिन से भी आया था, लेकिन टीम जाती है, सरकार के लोग जाते हैं। एक तरफ आप लोग नौकरी दे रहे हैं, नियोजित टीचर को परमानेंट कर रहे हैं, कार्सल से, असल में यही बात है कि मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। और कुछ मानसिकता है ऐसी, कुछ लोग हैं बैठे हुए मीडिया चैनलों में भी कि भाई जब कास्ट सेंसस की बात आए तब मुद्दा को दबाने, डाइवर्ट करना स्टोरी, जो फिजूल की बातें उसको हाईलाइट करना, ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाना, आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कुछ और न्यूज़ चला देना। अब जब इतने बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख के आसपास हैं सबको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो अब टूट मच रही है, टूट पड़ी। असल में ये सब लोग को 3-3 महीना पर लकुआ लगता रहता है, इन लोगों का वैलिडिटी जो है ना 3 महीने का रहता है, 3-3 महीना पे उछलते रहता है, एक दिन चलाएगा नहीं तो उसके बाद पस्त रहेगा, फिर जागता रहे नहीं कुछ करना तो फिर उछलता है। ये काम तो आज ही बोले हैं सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, कुशवाहा जी लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश, आज ही तो हर जगह हो ही ना लिए, तो सर उनकी समझदारी तो और बढ़ गई है। कुछ लोग तो हम लोगों का तो सम्मान तो है ही ना भाई उनके प्रति, कुछ लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े वो भी, लेकिन किस्मत ही उनका साथ नहीं दे पाता, या उनका निर्णय ही, या वो खुद ही जो है अपने आप को कहाँ ढकेल देते हैं। लेकिन हम लोग तो सुखचित तक, कुछ लोग तो आस लगाए हुए उधर भी, अरे भाई एक ही चीज पूछेगा अलग अलग तरीके, कुछ भाजपा एनडीए क्या है मतलब, फिर आप लाइएगा सूत्र, एक बार सूत्र लोग को सामने जरा लाइए ना,